यार ये तो बड़ी महंगी रिंग लगती है। अरे मैम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? मैम सॉरी, वो क्या है ना, गलती से मेरा पैर फिसल गया और आपको मेरा हाथ लग गया, सॉरी मैम। अच्छा, गलती से हाथ लग गया? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे इरादों को। मुझे शक था तुम्हारी गंदी नजर है और आज मेरा शक यकीन में बदल गया। तू रुक, मैं अभी अपने पति को बुलाती हूँ और तुझे जॉब से निकलवाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पुलिस को बुलाती हूँ। अरे मैडम, आप पुलिस को फोन क्यों कर रहे हो? मैम मैंने कहा ना आपसे कि मेरा हाथ गलती से लग गया आपको। मैं तो ये आपकी रिंग देने वाला था आपको। मेरी रिंग तुम्हारे पास क्या कर रही है? अच्छा, जो तुम अब चोरी करने लगे हो? अरे नहीं नहीं मैम, आप गलत समझ रहे हैं। आप जब अंदर जा रहे थे ना तो आपकी रिंग गिर गई थी, मैंने उठा ली और मैंने सोचा कि अब जब आप बाहर आओगे तो मैं आपको रिंग दे दूंगा, लेकिन मैम मैंने आपको रिंग दी तो आप मेरे को गलत समझ रहे हो। ये तो अच्छी बात नहीं है ना मैम, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अच्छा, मुझे सब समझ आ रहा है। तुम हमारे घर में चौकीदारी की नौकरी तो करते हो, लेकिन चौकीदारी नहीं करते, चोरी करते हो। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मैम आप जिसको बुलाना चाहते हो बुला लेना, पहले जो मैं कह रहा हूँ प्लीज उसको सुन लो। जब आप अंदर जा रहे थे तो आपकी रिंग गिर गई थी और मैंने उठा ली थी, अब मैंने सोचा कि जब आप बाहर आओगे तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैम मैंने आपको दी तो आप मेरे को गलत समझ रहे हो। मैम ये तो गलत है ना, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैम अगर आपको अभी भी पुलिस बुलानी है तो आप बुला सकते हो, उससे पहले आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लो। सॉरी भैया, मुझे तो पता ही नहीं था आप मेरी हेल्प कर रहे हो, खामखा मैंने आप पे हाथ उठा दिया। आपने वो मुझे टच किया था ना तो मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने बेवजह आपको इतना सुना दिया। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। मैम मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। एक गरीब इंसान ना मजबूर जरूर होता है लेकिन चोर नहीं होता। मैम थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरी रिंग वापस कर दी। आपकी जगह कोई और होता तो कभी मेरी रिंग वापस नहीं देता। मैम मैं चाहता ना तो भी इस रिंग को अपने पास नहीं रखता, क्योंकि मैं जहाँ काम करता हूँ मैं वहाँ चोरी नहीं कर सकता, और ये मैं जानता हूँ कि किसी भी चीज को कमाने के लिए मेहनत लगती है। इससे पता चल गया कि आप कितने ईमानदार हो और मैंने आपकी ईमानदारी पे शक किया, मुझे माफ कर दो। I'm sorry. कोई बात नहीं मैम, मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना मैम। मैम आपकी वजह से मेरा घर चलता है और मेरे बच्चों का पालन पोषण होता है। मैम आप ऐसी जगह पे ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? ओके भैया, मैं चलती हूँ। थैंक यू।